तो ना आप आगे देखते रहना। सबसे पहले ये बताओ सच्ची सच्ची कि आपको ये इंट्रो कैसा लगा, अच्छा था ना? अब देखो इस इतने से इंट्रो को तैयार करने में ना इतना सारा टाइम लगता है, तो एक लाइक बिना कंजूसी के चिपका दो, बस एक ही बार देना, दो बार दोगे तो काम बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेडिंग हैक्स की। अब शादी का सीजन आ रहा है तो आपके भी घर में बहुत सारे कार्ड्स होंगे जहाँ पे आप अभी फिल्टर वाला दिमाग चला रहे हो कि इसकी शादी में जाना है, इसकी शादी में सिर्फ खाना है, है कि नहीं? तो देखो शादी के कार्ड आने से लेकर वहाँ पर खाना खाने तक, अच्छा वो नेक देने का सिस्टम आप लोगों में है क्या? हमारे में तो नहीं है, आई एम जोकिंग। तो नेक देने तक ना इतने सारे काम होते हैं जो कि हमको करने पड़ते हैं, फिर चाहे शादी आपके पड़ोसी की हो, दूर के रिश्तेदार की या फिर घर की। तो देखो काम तो होते ही हैं, बस कम ज़्यादा होते रहते हैं। सो आज का वीडियो हेल्प करेगा आपको शादी रेडी करने में, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे हैक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल ईजी कर देंगे शादी के माहौल में। और क्योंकि शादी वाला वीडियो है तो नाच गाना तो भाई इसमें भरपूर होगा, हमने ना बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी आपके एंटरटेनमेंट की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे श्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शादी में जब तक खाने के बाद में पान नहीं खाना तो मज़ा नहीं आता, तो जब तक आप सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको हिट नहीं करोगे ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वीडियोस के बाद में नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। लेट्स रोल। लहंगे और साड़ियां आए दिन तो पहनते हैं नहीं, जब भी उठाते हैं पहनने के लिए तो उनकी जिप का अटकना तो मामूली सी बात है, बहुत ही कॉमन है। अब इस चीज को फिक्स कैसे करना है आपको, आपको चाहिए होगा एक कैंडल। कैंडल को आप रब कर दीजिए जिप के दोनों साइड, और उसके बाद में आपकी जिप चाहे वो ब्लाउज की हो या फिर स्कर्ट की बिल्कुल मक्खन की तरह बंद होगी, है ना? बहुत ही काम का है। तो चलो जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक। तो आई गया होगा गाना, कौन सा है? चूड़ी जोखन की। हाँ जी, अब घर की शादी में जाना हो या दूर की, कलाई है ना सुनी सुनी अच्छी नहीं लगती, और अब चूड़ी अपने आप स्लाइड हो जाए तो भाई साहब ये गलत फहमी बिल्कुल मत रखिए। चूड़ियों को पहनने में अगर आपको तकलीफ होती है तो आपको ये वाला हैक ट्राई करना चाहिए। उसमें आपको लेनी है एक पॉलिथिन, पॉलिथिन को वेयर कर लीजिए अपने हाथों में, और उसके बाद में चूड़ियों को धीरे से इनको स्लाइड करना है। इसके ना दो फायदे मैंने नोटिस किए हैं, एक चूड़ियां पहनते टाइम दर्द नहीं होता, और जल्दी जल्दी भी आप पहन सकते हो, मतलब स्पीड बड़ी बढ़ जाती है उससे। चूड़ियों का दूसरा है क्या, वो उतार चढ़ाई बताऊंगी। अब यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे ये है कि आपको आपके जो हाथों के साइड्स होते हैं ना उनको सॉफ्ट करना है, वो आप वैसलीन से करें, आपके बॉडी लोशन से कर लीजिए, और उसके बाद में चूड़ियों को स्लाइड इन करिए, इससे भी पेन काफी कम होता है। और क्योंकि आपने हाथों के जो साइड्स हैं उनको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और सॉफ्ट कर लिया है तो स्किन सॉफ्ट होने के कारण ये काम जल्दी से भी हो जाता है। फैशन ज्वेलरी अगर एक बार के लिए गुम जाए ना तो हम सोचते हैं चलो आगे से ध्यान रख लेंगे, लेकिन जब प्रेशियस या फिर गोल्ड रिंग्स की बात हो ना बाबा ना, क्योंकि मम्मी की डांट। OMG, प्रेशियस ज्वेलरी के केस में सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो आपकी ऐसी कोई रिंग है जो कि बहुत ज्यादा लूज है लेकिन आपको पहनना बहुत अच्छा लगता है, उस केस में रिंग को बेटर फिट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है धागा। अब मेरे पास यहाँ पे पतला धागा था तो मैं इसको डबल ट्रिपल करके इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दूंगी, उसके बाद में एक साइड से मैं रिंग में डाल दूंगी और उसके बाद में एक नॉट लगा दूंगी, मतलब गांठ बांध दूंगी। दूसरी साइड से मैं लूंगी एक बॉबी पिन और धागे को उसमें फंसा कर उसको इन एंड आउट करके वो धागा बांध दूंगी। अब वो धागा बांधने से क्या होगा, रिंग आपको जितनी भी लूज है उतनी आप उसको फिट कर सकते हैं, उस धागा बन जाए तो फिर बस एंड में नॉट लगा के और उस रिंग को ट्राई कर लीजिए। देखा ना कितना सही वाला हैक था ये रिंग को फिट करने का। शादियों के अलावा होता ही कहाँ है ऐसा माहौल जहाँ पे हम अपनों के साथ में खुल के डांस कर सकते हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हमारा मांग टीका अपनी जगह पे रहे, वरना तो हमारा पूरा ध्यान मांग टीका को सेट करने में ही रहता है। नाउ इसके लिए आपको ट्राई करना है ये वाला हैक। अगर आपका मांग टीका बहुत छोटा भी है तो भी आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डबल टेप हो सकता है बड़े टीके के साथ में तो चल जाए लेकिन छोटे टीके के साथ में वो दिख जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। आपको क्या करना है, आपको लेनी है ये शिल्पा वाली बिंदी जो कि मेरी मम्मी यूज करती है, एक के ऊपर एक इसको उल्टा चिपकाना है फेविस्टिक की मदद से। उसके बाद में इस बिंदी को अपने सर पे लगाइए और दूसरा साइड जो कि बिंदी का ग्लू है वहां पर फिक्स कर दीजिए आपका टीका। इससे टीका अपनी जगह पर भी रहेगा और आप अपनी नाचने की कसर को खुल के पूरा कर सकते हैं। मूड सिर्फ हम लोगों का ही नहीं बल्कि कभी कभी हील्स का भी खराब हो जाता है, लेकिन आप भी कम नहीं हो, आपको भी शादी में जाते टाइम वही हील पहननी है जो कि आपको बहुत ज्यादा टाइट है। उस केस में आपको यूज करने हैं ओवरसाइज सॉक्स। पहनने के बाद में उन फुटवेयर में पैर डाल दीजिए। नाउ आई एम श्योर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बट थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके बाद में ले लीजिए हेयर ड्रायर को चलाना है आपकी हील्स पे, स्पेशली पीछे वाले हिस्से में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत करती है और वो शू बाइट होने का भी खतरा हो सकता है। हेयर ड्रायर से जो हीट आपके फुटवेयर्स को मिलती है उससे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, और क्योंकि आपने ऑलरेडी ओवरसाइज सॉक्स वाले पैर डाले हुए हैं उनमें तो उनको काफी अच्छी जगह मिल जाती है खुलने की। एंड दैट्स अबाउट इट, हील्स आर रेडी टू वेयर। उसके बाद में बारात में आप चाहे हो जमालो करें या फिर भंगड़ा, फर्क नहीं पड़ता।
बकायदा शादी में जा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे तो हमको इयररिंग पहनने ही है, बट अगर आपकी है सुपर सेंसिटिव स्किन और आपका ईयरलोब है बहुत ही छोटा, जब भी आप इयररिंग्स के साथ में मेटल के पेच या फिर सिलिकॉन के पुश ट्राई करते हैं तो वो आपकी स्किन को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी देते हैं और बहुत ज्यादा हर्ट भी करते हैं। आपको यूज करना है एक रबर, रबर का एक पतला हिस्सा काट लीजिए और उसको यूज करिए आपकी इयररिंग को फिक्स करने में, एंड दैट्स इट। इसके साथ में आप इयररिंग्स को बिना हर्ट हुए बहुत लंबे टाइम तक पहन भी सकते हैं। दुनिया में 85% लोगों की मेमोरीज ना परफ्यूम के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब देख रहे हो सेंट कितना इंपॉर्टेंट है और उसको लॉन्ग लास्टिंग चलाना डबल इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप शादी पार्टी में जाओ तो ये वाला हैक जरूर ट्राई करना जो कि चलाएगा आपके परफ्यूम को लंबा। अब परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए एक जो सिंपल सा मेथड है जो आप ट्राई कर सकते हो वो है आपकी वेट स्किन पे परफ्यूम को स्प्रे करना। तो देखिए उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं वैसलीन या फिर आपका फेवरेट बॉडी लोशन, थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मसाज कर दीजिए पल्स पॉइंट पे एंड देन स्प्रे करिए आपका परफ्यूम। इससे ना सिर्फ आप परफ्यूम के ओवरडोज से बच जाएंगे बल्कि उस फ्रेग्रेंस को ना लॉन्ग लास्टिंग भी रख पाएंगे। हमको पता है कि हमको 15 दिन बाद शादी में जाना है, लेकिन जिस दिन शादी में जाना होता है उस दिन हमको कोई चीज टाइम पे नहीं मिलती है, स्पेशली मैचिंग बिंदी। तो जब भी आपको ड्रेस से मैचिंग बिंदी नहीं मिलती है तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं ये डायमंड की बिंदी जिनका कोई कलर ही नहीं होता, और हाँ ये हर ड्रेस के साथ में बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो आई एम श्योर इस हैक के बाद में आपको ड्रेस से मैचिंग बिंदी ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। टाइट बजट में अगर हमको हाईलाइटर फेस के लिए मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारी बॉडी जब सूखी सूखी लगती है ना, स्पेशली जब हम कोल्ड शोल्डर ब्लाउज पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बॉडी लोशन लीजिए, उसमें आपको ऐड करना है ये लूज जो पिगमेंट आता है, आपको 5 से 10 रुपए में इजीली मिल जाएगा। दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे हाथ पे। कोल्ड शोल्डर नहीं भी पहने आपके रिस्ट वगैरह को चमकाने के लिए तो ट्राई कर ही सकते हैं ये वाला हैक, जो कि दिखने में तो बड़ा महंगा दिखता है लेकिन है तो बड़ा सस्ता, यू नो व्हाट आई मीन। घर से निकलते ही लास्ट मिनट पे जब हमारा लहंगा थोड़ा सा खराब हो जाता है, उस पे डर्ट लग जाती है तो इतना बुरा लगता है ना कि पूछो ही मत। फिर तो मतलब ना मन ही नहीं करता जाने का, लेकिन अब मन करेगा क्योंकि आपके पास ये वाला क्विक हैक। इसके लिए आपको क्या चाहिए, बड़ा सा टेप। बड़ा क्यों, जितना बड़ा टेप होगा उतना ही जल्दी आप उसको साफ कर पाएंगे। बस टेप को ले लीजिए डर्ट पे एंड देन खींच खींच के छिक 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 करके आपकी डर्ट निकल जाएगी, और हाँ मूड भी खराब नहीं होगा, तो है ना मस्त वाला आइडिया। कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा? आई होप आपने अच्छे से इंजॉय किया होगा क्योंकि फुल्ली एंटरटेनमेंट था, मजेदार था। तो इस वीडियो को तब तक मत छोड़ना जब तक इस पर लाइक ना छोड़ दो। वैसे लाइक तो मैं आपसे पहले भी मांग ही चुकी हूँ तो अब तक आपने दे ही दिया होगा। चलिए मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय, हो गया, चलो।